क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्विज में हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो के ऊपर। तो चलिए क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्विज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपने बेसिक डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे, जैसे अपने ईमेल आईडी, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसका नेम, अपना नेम, आपका मोबाइल नंबर कुछ भी दीजिए क्योंकि वेरीफाई नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अब आंसर शेयर कर देता हूँ। तो नंबर वन का आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। नंबर टू का आंसर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। नंबर थ्री का आंसर आएगा क्रिप्स मिशन। नंबर फोर का आंसर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950। नंबर फिफ्थ का आंसर आएगा आर्टिकल 3001। नंबर सिक्स का आंसर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजेंस। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 814। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 58 एडुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा कैरेक्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 29। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा द माउंटबेटन प्लेन। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 17। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 2 years 11 months 18 days। नेक्स्ट तो इसका आंसर रहेगा कैरेक्टर एक्ट 1953। नेक्स्ट तो इसका आंसर रहेगा रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 39A। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 87। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट तो इसका आंसर रहेगा 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। और लास्ट वाला तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 22। अब आप सारे के सारे जवाब देख लीजिए पूरी तरह से, उसके बाद ही सब पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बोर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं हम 1 2 3 4। वेरीफाई कर लिया। पार्किंग मीटर, तो चलिए मैं आप लोग सब स्कोर शेयर कर देता हूँ। अगर कुछ गलती हुई मुझसे तो आप लोग फिर से इसको सही कर लीजिएगा। तो देखिए 30 out of 30 आया है, मतलब सारे सारे जवाब सही है। अब आप 24 से 40 साथ वेट कीजिए, उसके अंदर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। या फिर लिखा भी हुआ है, अगर सर्टिफिकेट 24 साथ का नहीं आया तो आप लोग एक बार री अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सर्टिफिकेट आ चुका है, मैं दिखा तो आप लोग किस तरह सर्टिफिकेट इशू होगा।
देखिए आप लोग इस तरह सर्टिफिकेशन इशू होगा या फिर 100% स्कोर रहा है, तो बस इस क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में इतना तक किया। आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और मिलते हैं आप लोगों के लिए और एक नया क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू।